हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वाला वीडियो होने वाला है जो हमारा कैपिटल हॉल 9 है, उसमें जो यहाँ पे बारबेरियन कैंप लेवल 5 होता है, तो उसको सिर्फ कैसे इजीली 2 टेक में 3 स्टार्ट करना है। तो आप यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लो, हम लोगों ने यहाँ पे पहले टेक के लिए यहाँ पे देख लो 11, यहाँ पे लिए हम लोगों ने बैटल रैम 11, ऑग राइडर 2, यहाँ पे मिनियंस लिए थे। तो मिनियंस को आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे डाल के यहाँ पे थोड़ी बहुत फनलिंग बना लेनी, ताकि जो सारे के सारे ट्रूप हम लोग यहाँ पे डिप्लॉय करें वो डायरेक्टली यहाँ पे कोर के अंदर जाए। अभी क्या करना है कि अभी देख लो यहाँ पे एक मिनियन से आप लोगों ने इतनी सारी क्लीनिंग करवा ली। एंड ऊपर की साइड देख लो 2 यहाँ पे सुपर बैरक्स है, सुपर बैरक्स में भी सुपर जायंट गार्ड थे, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि मिनियन डाल दिया। तो वहाँ पे बॉम्ब टावर भी था, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बॉम्ब टावर के सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। फिर यहाँ पे देखो ग्रेवर्स पे नीचे की एक रॉकेट आर्टिलरी पे, एक यहाँ पे सेंटर में देखो 2 मोटर, 2 यहाँ पे बॉम्ब टावर, तो उसके ऊपर एंड ऊपर की साइड देखो जायंट कैनन है, यहाँ पे रॉकेट आर्टिलरी, तो उसके ऊपर ग्रेवर्स पे डाल दिया। अब क्या करना है कि धीरे धीरे आप लोगों को यहाँ पे एक दो पैर में सारे के सारे जो बैटल रैम है वो डिप्लॉय करने हैं। एंड यहाँ पे 5-10 सेकंड के बाद आप लोगों को क्या करना है कि एक दो यहाँ पे हर एक डिफेंस के ऊपर हमारे पास जो यहाँ पे होग राइडर बचे वो पीछे से डिप्लॉय करना है। तो ये क्या करेगा कि जैसे यहाँ पे बैटल रैम हम लोगों को यहाँ पे खत्म हो गए, तो वो ग्रेवर्स पेल में यहाँ पे स्केलेटन स्पॉन हो गए। एंड वो स्केलेटन यहाँ पे बहुत सारे डिफेंसिस को यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड हम लोगों को यहाँ पे जो यहाँ पे पीछे से हम लोग होग राइडर डालेंगे वो भी यहाँ पे डिफेंस को स्टन करेगी। एंड हम लोगों को यहाँ पे बहुत ही सारी वैल्यू यहाँ पे पहले एड से मिल जाएगी। तो देखो भाई 38% मिल चुकी है, नीचे के एक रॉकेट आर्टिलरी भी मिल चुके हैं, सेंटर का देखो भाई एक बॉम्ब टावर भी मिल चुका है। तो बहुत ही इजी अभी तक तो अटैक जा रहा है। एंड यहाँ पे देख लो आई थिंक यहाँ पे 47 या 46% तक की वैल्यू मिल सकती है। तो चलो 45 तो हो चुका है, अभी इसको स्पीड अप करके देख लेते हैं कि यहाँ पे स्केलेटन कितनी वैल्यू निकाल सकता है। तो देख लो भाई 47 फर्स्ट अटैक से हम लोगों को मिल चुका है। फिर सेकंड अटैक के लिए देख लो सेमी आर्मी लोगों ने यूज़ किया, हम लोगों ने मिनियन हटा के यहाँ पे बैटल रैम और होग राइडर पे ले लिया। ग्रेवियर्स पे एक जायंट कैनन पे, एक यहाँ पे बॉम्ब टावर एंड मोटर पे, एंड एक अगेन जो यहाँ पे मोटर बचा था उसके ऊपर। फिर क्या करना है कि सारे के सारे बैटल रैम हम लोगों ने एक साथ में डाल दिया, जहाँ जहाँ पे भी डिफेंस है उसके ऊपर। एंड पीछे से हम लोगों ने देखो होग राइडर का यहाँ पे स्पैम कर दिया। एंड जो यहाँ पे बड़े बड़े डिफेंस है उसको भी हम लोग यहाँ पे होग राइडर से स्टन करवा देंगे, ताकि वो यहाँ पे आसपास के यहाँ पे जितने भी ट्रूप्स होंगे उसको कोई यहाँ पे दिक्कत दे ना सके। एंड इजीली यहाँ पे 3 स्टार मिल जाए। तो ऊपर की साइड देखो रॉकेट आर्टिलरी खत्म, अभी आई थिंक जायंट कैनन भी ऊपर नीचे की साइड की गया, एंड ऊपर की साइड का भी देख लो अब गया। बेस में कुछ नहीं बचा, देखो भाई कितने सारे स्केलेटन स्पॉन हो चुके हैं, एक बस मेजर डिफेंस बचा है जो कि यहाँ पे बॉम्ब टावर। एंड जैसे वो खत्म होगा भाई इजीली यहाँ पे 3 स्टार आ जाएगा। तो भाई 88% देखो भाई खत्म, कितने सारे स्केलेटन है, कितने सारे होग राइडर बच गए। हम लोगों को बहुत ही इजीली 2 अटैक में ये 3 स्टार हो चुका है।